तुम्हारा हाथ थक गया होगा, रहने दो। आप सो जाइए, हम आपका सर दबा दें। तुम थक गई होगी ना, तुम एक काम करो, जब से तुम आई हो तुम प्यास नहीं लगी तुमको, कहीं पानी पी लो। हाँ, पति की सेवा में ही लगी रहती हो हमेशा, हाँ? और हमारी भी अजीब सी किस्मत है रेखा, पता है तुमको पहचान ही नहीं पाए, शुरू में ही पहचान लेते तो कितना हमारा वक्त जो है अच्छा बीतता। हम कभी सेवा ही नहीं कर पाए तुम्हारा, इतनी सीधी इतनी भोली हो तुम, लो रेखा पानी पी लो। हम चाहते हैं कि अब हम पति पत्नी का प्रेम हो ही गया है तो अब बच्चा जो है वो ले आए दुनिया में, पी लो ना पानी का, पूरा पी लो। हाँ, आराम से बेटा होगा कि बेटी। तनी नींद आ रही तो एकदम सो जाओ आराम से, हम अरे भाई बहुत थक गए हमने रेखा, सो जाओ। ये देखो लालिका चौपाई बनी है, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा वही साशा। एकरा मतलब है तुमको कौनो चिंता करने का कौनो जरूरत नहीं है, जो होना है वही होना है जो राम राम जी ने पहले से तय कर दिया है। आपका ये तरीका तो एकदम एकदम रामबाण है, चुटकी बजाते ही सब दुविधा खत्म। हम कौन होते हैं सही गलत करने वाले, ऊपर वाला बैठा है ना सब संभालने के। लाली वो रणविजय ठाकुर और रेखा आ गए, जल्दी चल। सो गई है, फाइल का जो काम था वो सब इसमें हो गया। हवेलियां को दफ्तर बना लिए, सबको अपना मजदूर समझे, हम कोई रोज यहाँ हाजिरी देने आएंगे। कुछ और दिन इस छोटी जात सरपंच का कुर्सी पे रही तो हम सबको अपना गुलाम बना के रख देगी। का सुमन बहुत ज्यादा समझदारी का काम करने लगी, शाबाशी वाला बात की हो एकदम। आपने तो फोन करके हमको ये आइडिया दिया, जैसा आपने कहा हमने बिल्कुल ही वैसा किया। अरे सुमन, तो हम कौनो काम ऐसा वैसा थोड़ी ना करते हैं, सोच समझ के देखभाल के करते हैं। हमको कोई एक बात का बहुत ही डर लग रहा है, पंचायत के सामने जब
ये सब मामला खुलेगा तब तो अमरी बात भी सामने आएगी ना। और अगर सबको यही मालूम पड़ गया कि रेखुआ को मारने के षड्यंत्र में हम आपके साथ शामिल थे तब तो पता नहीं क्या होगा। अरे सुमन सुमन सुमन, हमारे रहते हुए तुमको कौनो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो रेखा है ये तुम्हारे खिलाफ हमारे खिलाफ क्यों तक नहीं कर सकते, सब कुछ सेट कर दिए हैं। एक बारी ये पंचायत का मामला निपट जाने दो फिर देखना। मधुर कभाइन भी तुमको छोड़ने का सोचेगा तक नहीं। इसलिए जो हम कह रहे हैं ऊपर ऊपर चुपचाप डटी रहो, बस करती जाओ जैसे हम कहें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत गजब रणविजय ठाकुर, ससुरे सारे के सारे पत्ते सही जगह पर फिट हो रहे हैं। बात बोल, हमें भी तुम्हारे साथ पंचायत में आना है। तू अगर पंचायत हमारे साथ आएगा तो स्कूल कौन जाएगा रे? नहीं हमें स्कूल नहीं जाना है माई। बड़े होकर घास छिलेगा? नहीं हमें स्कूल नहीं जाना है। बस लगे बाप बेटा लड़ने। नहीं जाना चाहते हमारा बेटा स्कूल तो नहीं जाएगा। क्या कमी है हमारा बेटा के पास? इसके बाबूजी कितना पढ़े लिखे हैं। अब भाई कोर्ट कचहरी का काम, हिसाब किताब का काम तो बाबूजी कर लेंगे। हमारा बेटा तो हवेली पे खाली राज करेगा। दादी कहती थी अपना काम खुद का खुद करना चाहिए। तो हमारा ये सब बाबूजी का है देखेंगे। अरे तो स्कूल भी नहीं जाएगा, अब पंचायत में बैठेगा। तब पंचायत में हम यहाँ काम करेंगे कि तुमको गिनती सिखाएंगे? स्कूल ना जाना पड़ेगा बेटाओं के लिए। ठीक है तो हम पक्का स्कूल जाएंगे। भाई देखिए हमारा बच्चा बहुत जिद कर रहा है स्कूल जाने के लिए, नहीं ले जाइए इसको। हाँ ये ले बे तुम्हार बोतल। बाबूजी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा, जैसे हम सोचे थे ना वैसे ही बिल्कुल हो रहा। कौन को कौन भनक ही नहीं है ससुर, समझ रहे? और रेखा रेखा तो कभी पता वही नहीं कर पाएगी उग्र सत का हुआ। आप देखते जाइए क्या होता है, समझ रहे हैं? और अभी माहौल थोड़ा ऐसा ही है यहाँ पे, हम बाद में फोन करते हैं। चलिए खटखटा के आना चाहिए था। रेखा तुम तो जानती हो कि सुमन ने पंचों के आगे ये दावा किया है कि मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैं सोच रहा था कि पंचायत में जाने से पहले मैं तुमसे बात कर लूं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? पंचायत में इंतजार कर रहे हैं सब तेरा, चल। हम तुमसे पंचायत के बाद मिलते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? क्या हुआ रेखा? अब जानते हैं इनके बारे में?
क्या बोल रही हो तुम? क्या बारे में? सुमन कह रही है पंचायत से कि उनको इनसे तलाक चाहिए। नहीं, हम ये सब नहीं होने दे सकते, हमें उनको जाके रोकना होगा। शादी कोई खेल नहीं है, जब चाहे शादी कर ली, जब चाहे तोड़ लिया। लेकिन परेशान काहे लिए हो रही है? ये उनका अपना मामला है, अपना फैसला है, अपने हिसाब से करने दो ना। लाली है ना, वो संभाल लेगी सब। वो कौन सा तुम्हें लगता है कि वो इस शादी का रिश्ता टूटने देगी? ये तो आप सही कह रहे हैं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। सही कह रहे हैं। सत्यानाश, कुछ तो गड़बड़ है। हिरण विजय ठाकुर नवाज सिंह के साथ मिलके कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रहे। ललिया को बताना पड़ेगा। लाली देवी, लाली देवी। बोल सुमन, क्या कहना चाहती है तू? आप ही बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या आप ये नहीं चाहती कि हम मधु जी को छोड़ दें? हमें नहीं लगता कि इस पंचायत में हमें कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सरपंच की कुर्सी पर आप बैठे हैं। देखिए, हमारी घर की सदस्य होने के कारण हमें लगता है कि आज और इस फैसले के लिए आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सांप को धरे दबोचे एक ही बार में ले ले प्राण। नेवला सांप को धरे दबोचे एक ही बार में ले ले प्राण। कांच टूटता है तो आवाज आती है, और दिल टूटता है तो कमबख्त आवाज नहीं आती, खुद ही पता चलता है। तेरा शुरू हुआ है भैया। अरे अरे माफ कर दो सरपंच महोदया, फुल एंड फाइनल बाकी है। ये मामला में पंच फैसला सुन रहे तो वही अच्छा रहेगा। अरे ये बात तो हम ही समझ में नहीं आया, ये कैसा फैसला है? अब लाली है तो कौन गलत फैसला तो ले ही नहीं। कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। बोलो बिटिया। हमने शादी को कुछ ही महीने हुए और अब हमारे पति मधुर जी हमें छोड़ना चाहते हैं। और ये सब इसीलिए नहीं कि हमने कोनो गलती की है, पर इसीलिए क्योंकि वो किसी और से प्यार करते। तो जी इसी घर की बड़की बहू रेखा से प्यार करते हैं। हाँ ये सच है। ये रेखा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं।
और शादी करना चाहते हैं। क्या कह रहे? कुछ भी गलत कह रहे हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो गंगिया? हमें जाने दीजिए, ललिया को कुछ जरूरी बात करनी है। अभी सही नहीं रहेगा, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। ठाकुर सर, ये सब कहाँ है रे? हम इतने सालों बाद तुमसे प्रेम किए, तुम पर विश्वास किए और तुम हमको धोखा दिए। वहा मधुर तुमसे कहाँ बात कर रहा था? ये बता रहा था ना जो सबके सामने भाव बोला। वो दिनों गुंडे हमसे जबरदस्ती वो कागज पे दस्तखत लिए। कौन से कागज थे वो? तलाकनामा। तुम खुद मिली हुई हो, तुम ऐसी हरकत की हो कि आज ही रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमारी बात मानी, हमें नहीं पता मधुर जी बाहर क्या कह रहे थे। हम तो ये भी नहीं जानते कि दिव्या उनके साथ मिली हुई है। और ये भी सच है कि ये रिश्ता सिर्फ इस वजह से नहीं टूट रहा है। सुमन कभी भी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। पहले अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे बिना हमारे पीछे यहाँ तक भाग आए। नमस्ते। वो बात ये कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ से आए। और यही नहीं, हमारे मामा जी के साथ मिलकर न जाने कितनी बार इस घर की इज्जत को बेचना चाहा। विश्वास नहीं हो रहा है कि तू ऐसा करेगी। सुमन, कौन सा पट्टी पढ़ाए हैं दोनों तुमको? तमनी की इज्जत को दांव पर लगाया। झूठ कह रही है। पूछे ने कि छठ के बाद रिक्वा को लेकर ही कहां गए थे? जमनी उस रात की कबाह है। हाँ, मधुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिक्वा को मारने की साजिश रची गई थी। यही सच है। कुछ नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता? कुछ नहीं जानता। मधुर झूठ बोल रहा है, लाली झूठ बोल रही है, शेखर झूठ बोल रहा है, सबको किसे कुछ नहीं मालूम है। हम आपके हाथ जोड़ते, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहते। आप हम पे यकीन नहीं कर रहे ना? हम अभी जाके लाली दीदी और सबको बता देते कि हमें मधुर जी के साथ नहीं रहना। हम आपके साथ रहना चाहते। अभी जाके बता देते।